एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लियो ने कल शानदार चार दिन कंप्लीट करके यानी फर्स्ट संडे अपना शानदार तरीके से कंप्लीट करके आज मंडे वर्किंग डे यानी फिफ्थ डे पर एंट्री मार ली है और जबरदस्त कमाई कर रही है। आज वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इस मूवी को इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है। हाँ, वर्किंग डेज में हर किसी मूवी की, बड़ी से बड़ी मूवी कोई भी हो गई, हर किसी मूवी की ग्रोथ स्लो हो जाती है, डिप डाउन देखने को मिलता है, लेकिन लियो जो कॉन्स्टेंटली एक एवरेजली अच्छी खासी पकड़ बना के चल रही है वो जबरदस्त सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लियो आज भी अच्छी खासी बुकिंग अपने खाते में ले रही है, अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, तमिल से ह्यूज रेस्पॉन्स मिल रहा है, मिलना भी चाहिए क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल ही है। डबिंग वर्जन से उतना खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, खासकर हिंदी से। मैं कहूँगा ना, लोकेश कनगराज की एक ये नाकामी है कि हिंदी बेल्ट में इन्होंने अच्छा खासा प्रमोशन नहीं दिया, अच्छा खासा फुटेज नहीं लिया, हिंदी को इन्होंने बहुत हल्के में लिया, जबकि इन्हें मालूम होना चाहिए हिंदी से ही बाहुबली 2 ने 500 करोड़ से ऊपर कलेक्शन किया था, KGF 2 ने 450 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था, नहीं सॉरी 435 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था, तब जाके वो मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन बाहुबली 2 का 1800 करोड़ हुआ था, तब जाके KGF 2 1250 करोड़ के आसपास पहुँची थी। RRR ने भी अराउंड 500 या फिर 400 के आसपास ही हिंदी से कलेक्शन लिया था, तब जाके ये मूवी 1300 करोड़ या फिर 1350 करोड़ के आसपास लाइफ टाइम कलेक्शन कर पाई थी। तो भाई साहब, हिंदी कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है, अगर इसको सॉलिड फुटेज मिलता तो बाय गॉड लियो भी आज बहुत अच्छी कलेक्शन करते नज़र आती। आज का मैं बताऊँ तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग हुई है सिर्फ हिंदी से। तो हिंदी बेल्ट में इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी और ये बहुत बड़ी नाकामी है इनके लिए। लेकिन थालापति विजय की लियो, उनके करियर की ये नंबर वन मूवी बन चुकी है जिसने बीस्ट, वारिसु, विगिल जैसी मूवी को धोकर रख दिया है, जो खुद थालापति विजय की फिल्म थी और जो ब्लॉकबस्टर हिट की लिस्ट में टैग कर रही थी, रन कर रही थी, उन मूवीज़ को खदेड़ दिया है लियो ने, क्योंकि लियो ने पहले चार दिन में ही इतनी सॉलिड कमाई करी है, 350 करोड़ से ऊपर की कमाई सिर्फ चार दिन के अंदर ही कर डाली है। भाई साहब, तमिल इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, तमिल मूवीज़ के लिए ये एक बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है ब्लॉकबस्टर हिट के नाम पर। तो भाई साहब, आप बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, लियो बाय गॉड बहुत ही अच्छी कलेक्शन करी संडे तक, जैसी उम्मीद थी वीकेंड में ये मूवी अच्छा कलेक्शन करेगी और पहले चार दिन में ज़बरदस्त कलेक्शन करी, धमाकेदार कलेक्शन करी। तो अगर मैं आपको बताऊं, पहले दिन इस मूवी ने कितनी कमाई करी थी, तमिल से 48 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 65 करोड़ और 76 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन आया था और पूरी दुनिया से 148 करोड़ मूवी कंप्लीट कर चुकी थी और फर्स्ट डे ओवरसीज से 67 करोड़ आया था। बात करें डे टू की तो तमिल से होता है 77 करोड़ पहले दो दिन का और नेट इंडियन कलेक्शन पहले दो दिन का 100 करोड़ कर चुकी थी ये मूवी, ग्रॉस कलेक्शन 121 करोड़ 20 लाख कर चुकी थी और ओवरसीज से 92 करोड़ आ चुका था और पूरी दुनिया से ये मूवी 218 करोड़ के आंकड़े को टच कर गई थी। दो दिन में 200 करोड़ टच करना मामूली बात नहीं है, तमिल जैसे एक लिमिटेड रीजन के लिए, हिंदी जैसा वास्ट रीजन नहीं है तमिल का, लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन किया, जबरदस्त कलेक्शन। डे थ्री की बात करें तो तमिल से 32 करोड़ 90 लाख आया, तेलुगु से 4 करोड़ 40 लाख, कन्नड़ा से 15 लाख, हिंदी से आया 2 करोड़ 35 लाख जो सैटरडे था डे थ्री में, और अच्छा खासा कलेक्शन किया सैटरडे को भी। तो टोटल नेट कलेक्शन कितना हुआ था उस दिन, 39 करोड़ 80 लाख, ग्रॉस हो चुका था 47 करोड़ और ओवरसीज से 30 करोड़ और 77 करोड़ पूरी दुनिया से ये मूवी कर चुकी थी। तो अब पहले तीन दिन में तमिल से 110 करोड़ हो चुका था, तेलुगु से 21 करोड़ और हिंदी से 6 करोड़ 75 लाख और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले तीन दिन में ही ये मूवी कर चुकी थी 140 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन 164 करोड़, ओवरसीज से 125 करोड़ और पूरी दुनिया से 290 करोड़ ये मूवी पहले तीन दिन में कमा चुकी थी। तो भाई साहब, पहले तीन दिन में सॉलिड ग्रोथ करी है बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्म, मैं कह रहा हूँ ना, किसी का भाई किसी की जान, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म को इसने दो ही दिन में धूल चटा दी, जबकि इनकी लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं होती है। बॉलीवुड की बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज़ की लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं होती है इतनी ज़्यादा। मेकर्स ने जो हाइप सेट करी लियो के लिए, बहुत सॉलिड हाइप सेट करी और ज़बरदस्त कलेक्शन आया है। बात करें कल यानी डे फोर यानी कल फर्स्ट संडे कैसा रहा, तो 33 करोड़ सिर्फ तमिल से कमाते नजर आई है, तेलुगु से 5 करोड़, कन्नड़ा हिंदी मिलाकर 2 करोड़, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल आया है 40 करोड़ का और ओवरसीज से ये मूवी कल भी 30 करोड़ के आसपास कमाते नजर आई है, पूरी दुनिया से 80 करोड़, ह्यूज कलेक्शन,
ह्यूज कलेक्शन। सर्कस मूवी की लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं थी जो लियो ने सिंगल डे में पूरी कमाई करी है 80 करोड़। तो अब पहले चार दिन में कल एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो गया था 180 करोड़, जिसमें से सिर्फ तमिल से 143 करोड़ आ चुका था और ग्रॉस कलेक्शन 214 करोड़, ओवरसीज से 155 करोड़, और कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 370 करोड़ पूरी दुनिया से टच कर चुकी थी, कवर अप कर चुकी थी। तो भाई साहब ह्यूज कलेक्शन। संडे, जबकि संडे में इतना ज़्यादा क्राउड है, मूवीज़ रिलीज हो रही हैं, भगवंत केसरी भी रिलीज हुई है, उसके बाद टाइगर नागेश्वर राव वो अलग चल रही है, तो साउथ में अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। इसके बावजूद भी लियो का जो हाइप है, लियो को जो प्यार मिल रहा है भाई साहब, अमेजिंग प्यार मिल रहा है। हिंदी का मैं अगर बताऊँ तो गणपत मूवी चल रही है, उसके बाद यारियाँ 2 चल रही है, कहीं ना कहीं जवान भी चल रही है, तो हिंदी में भी कॉम्पिटिशन है, उसके बाद भी अच्छा खासा कलेक्शन लेके आ रही है। गणपत जो है 3 करोड़ ऐसा कलेक्शन कर रही है, जबकि इस मूवी को अगर देखा जाए, लियो ने कोई अच्छा खासा प्रमोशन या फुटेज बिल्कुल नहीं दिया था नॉर्थ बेल्ट में या हिंदी बेल्ट में, उसके बावजूद भी अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है गणपत से अगर कंपैरिजन के मामले में बोलें तो मूवी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। आज है वर्किंग डे मंडे, तो आज है टेस्ट का दिन भाई साहब। ये जो वर्किंग डे जाते हैं ये मूवीज़ के लिए टेस्ट के दिन होते हैं और बड़े भारी परीक्षा ली जाती है इन दिनों में। आज वनडे वर्किंग डे में कैसी कमाई चल रही है, मतलब फिफ्थ डे की आज कैसी ग्रोथ चल रही है, तो उससे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा बुकिंग कितनी हुई है, बुकिंग लगभग 8 से 10 करोड़ के आस देखने को मिल रही है, लेकिन मिनिमम हम 8 करोड़ ही मान के चलेंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर मिनिमम सेट करेंगे उससे ऊपर आंकड़ा निकल जाएगा तो बड़ा अच्छा लगता है, बट हम मैक्सिमम सेट कर लेंगे और मिनिमम आंकड़ा निकल गया तो वहाँ पर एक झूठा साबित हो जाता है ना आंकड़ा, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी भाई साहब। तो आज भी ये मूवी 10,000 सोच के आसपास चल रही है, अपने खाते में 10,000 सोच लेकर चल रही है। एडवांस बुकिंग टिकट अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5.5 लाख एडवांस टिकट बुकिंग ये कर चुकी है बुक माई शो के अकॉर्डिंग। तो आज तमिल हिंदी और सारी लैंग्वेज को मिलाकर ये मूवी कितना नेट कलेक्शन कर रही है, लगभग 18 से 20 करोड़ के आसपास के बस कलेक्शन आता दिख रहा है। ग्रॉस आते नज़र आ रहा है लगभग 24 से 25 करोड़ के आसपास, ओवरसीज से आज भी लगभग 15 से 17 करोड़ के आसपास कमाई करते नज़र आ रही है, और पूरी दुनिया से 29 से 30 करोड़ आता दिख रहा है। तो अब टोटल पहले 5 दिन का नेट इंडियन कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक कितना हो जाएगा, लगभग 198 या 200 करोड़ सीधे स्लाइटली टच कर रही है 200 करोड़। अगर ये 200 करोड़ टच कर जाती है पहले 5 दिन में तो एक ह्यूज रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। तमिल इंडस्ट्री की कोई भी मूवी ऐसा नहीं कर पाई है, तमिल इंडस्ट्री की लियो पहली मूवी बनेगी जिसने इतनी बड़ी कलेक्शन, हाईएस्ट ग्रॉसिंग, फास्टेस्ट ग्रॉसिंग करेगी, फास्टेस्ट 200 करोड़ कंप्लीट करेगी नेट इंडियन के मामले में। भाई साहब नेट इंडिया में जो कमाई होती है उसके मामले में अगर आप इतनी तेज़ी से कमाई करोगे तो ये रिकॉर्ड टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म, बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म, मैं कह रहा हूँ मिशन रानीगंज अभी 100 करोड़ भी कंप्लीट नहीं कर पाई है, लेकिन लियो एक छोटा सा तमिल रीजन है उसके बावजूद भी ये मूवी इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ कर रही है और ज़बरदस्त कमाई कर रही है। ग्रॉस हो जाएगा आज एंड ऑफ द डे तक 238 करोड़, ओवरसीज से आ जाएगा 170 करोड़, पूरी दुनिया से आज हो जाएगा 395 या फिर 400 करोड़, स्लाइटली टच करेगा 400 करोड़ और ईजिली टच कर जाएगा एक बार के लिए देखा जाए तो, लेकिन मान के चलेंगे 395 करोड़ ये मूवी आज टच कर जाएगी। अगर 400 करोड़ आज हो जाता है भाई साहब मज़ा आ जाएगा, पूरी दुनिया से ये मूवी जबरदस्त वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ पहले 5 दिन में ही बहुत ह्यूज इनकम है। आने वाले 4 से 5 दिन में चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड को खदेड़ देगी जो लगभग 450 करोड़ के आसपास था, और ब्रह्मास्त्र के रिकॉर्ड को शायद ये आज एंड ऑफ द डे तक बीट डाउन कर जाएगी। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको क्या लगता है कि ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ 650 से 700 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी का हो जाएगा। कई जगह ये भी देखने को मिल रहा है, ट्रेंड भी हो रहा है कि मूवी 800 करोड़ या 1,000 करोड़ भी टच कर जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा गंदा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये मूवी हर दिन ग्रो कर रही है, हर दिन ज़बरदस्त आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी मूवी को हेट दिया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेट दिया जा रहा है, लगातार ट्रॉल करा जा रहा है, डिसास्टर लियो, डिसास्टर लियो फेक कलेक्शन, जो भी जिस हद तक इनसे हो सकता है उतनी इसकी बुराई चल रही है।
आई डोंट नो ये कौन से लोग हैं, ये कहाँ के बंदे हैं जो आँखों में मिर्ची डालकर देख रहे हैं, मतलब आँखें होते हुए भी अंधों का काम कर रहे हैं। तो मूवी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका फाड़ हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है क्या, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना क्या ये मूवी कितना लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।